प्लस कोस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स बराबर साइन एक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इसका भी होल स्क्वायर। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो सारे बंदे मिलके, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनमें ये देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब कोफिशिएंट 1 तो नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए ये बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ कितना है कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाई बराबर। और बताओ यहाँ भाग जाएगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा और ये बचा साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके फ्रेंड्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब पूरक फलन निकालना है तो p का जो मान आएगा, भाई मानक रूप से तुलना करने पे p का मान आ जाएगा x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x। ये तो p का मान हो गया। p क्या होता है, dy by dx का गुणांक। जो q का मान आया वो आया cos x अपॉन x sin x प्लस cos x, p और q आ गया। और यहाँ से ये पता चला p प्लस क्यू एक्स करने से जीरो हो गया, भाई क्यों को x से गुणा करके p में ऐड कर दो तो कितना हो गया जीरो हो गया। p प्लस क्यू एक्स का मान जीरो हो गया दोस्तों, तो आप ये बोलोगे या नहीं कि y बराबर x है वो पूरक फलन का एक भाग है, अर्थात y बराबर x है पूरक फलन का एक भाग है। y बराबर x है वो पूरक फलन का एक भाग है। अब मैं मान लेता हूँ, माना जो पूर्ण हल है जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कितना है y बराबर vx है। मैं मान लेता हूँ कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कितना है y बराबर vx है। अब y बराबर vx है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो dy वाई बाई डी एक्स का मान आएगा वो तो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और साथ में जो सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये डी वी बाई डी एक्स, इसको रोका तो x का 1, तो मैं कह सकता हूँ कि आएगा 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये y का मान, ये dy by dx का मान और ये d2y टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, ये तीनों मान किस में रखने हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि उपरोक्त मान समीकरण 1 में पुट करने पर, उपरोक्त मान समीकरण 1 में पुट करने पर, अब देखना कि जब आप समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा। ये समीकरण 1 है तो इसकी जगह तो बनेगा 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई ये मान तो इसकी जगह रख दिया, माइनस ये कितना है भाई
एक्स कोस एक्स अपोन एक्स साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स। और बताओ इसकी जगह मान कितना रखा, वी प्लस एक्स डी वी अपोन डी एक्स प्लस कोस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और वाई का मान वी एक्स बराबर, ये क्या है, साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, क्या किया है कि दोस्तों यहां से तो वाई का मान उठाया, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, और समीकरण इसमें रख दिया। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, चलो यहां से सोल्व करते हैं। अब एक चीज देखो कि जब ये इससे वी से गुणा होगा तो ये वाली टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल कर रही है सीधी सीधी, बताओ कर रही है या नहीं भाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो अब बच गया क्या, यहां तो बचा एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है टू बाई डी वी अपॉन डी एक्स के गुणा में टू, और यहां डी वी अपॉन डी एक्स के गुणा में कितना है माइनस का, देखो भाई ये इससे गुणा होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन ये भाग में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि ये तो वी से गुणा हुआ था वही तो कटा था, ये थोड़ा ना कटा था, ये टर्म एक्स से इससे पीछे वाली टर्म से गुणा होगी वो तो नहीं कटा था, तो वो बच गया, तो यहां लिख दो। और डी वी अपॉन डी एक्स यहां भी है यहां भी है, तो उसको क्या कर लिया, डी वी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लिया। अब देखना आप, ये है साइन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके फ्रेंड्स, यहां से एक्स का भी भाग दो तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, भाई एक्स का भाग दिया तो यहां तो आ गया और ये एक्स कट गया, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी वी वाई डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें भी एक्स का भाग लगेगा ये, तो साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मान लेते हैं लेट डी वी अपॉन डी एक्स को, डी वी अपॉन डी एक्स को आप मान लो कोई अन्य वेरिएबल डब्लू, तो बताओ डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा वो कितना होगा, डी डब्लू बाई डी एक्स, ये मान इसमें पुट कर दो, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो कितना बना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस टू अपोन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये डब्ल्यू बराबर साइन एक्स अपोन एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर टू। अब दोस्तों ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, ये डब्ल्यू में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखीय अवकल समीकरण है, तो आइए अपने निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डब्ल्यू, डब्ल्यू में लीनियर है तो आइए अपने निकालना पड़ेगा। अब देखना, भाई आई एफ होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, और ये जो भी होता है ई की पावर में जाता है, और इसका समाकलन करना होता है, ई एक्स पी का मतलब ई की पावर में समाकलन करना है किसका, टू अपोन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। आई एफ का फॉर्मूला सब लोग जानते ही हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे बता दिए जिसमें आई एफ निकालना आपको सिखा दिया, तो अब तो आ ही जाना चाहिए ये चीज़, और ये बन गया। अब इसका काम थोड़ा बाद में है तो बाद में देखेंगे, आइए अब निकालते हैं पहले। तो ई एक्स पी अलग अलग किया, टू अपोन एक्स डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपोन
एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, इस अब यहां से देखो एक बार पीछे, ये जो है ना एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको टी मान लो, तो इसका उकलन करो एक बार, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स बराबर है डी टी, और ये तो कट गया तो क्या बना, एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर कितना बन गया डी टी बन गया। इसका मतलब इस पूरे की जगह डी टी रख दूंगा, तो ये बना ई एक्स पी। अब देखना टू वन अपोन एक्स डी एक्स का तो लोग एक्स माइनस, जब इसको टी माना तो ऊपर डी टी बनाना, तो डी टी अपोन टी कितना होता है लोग टी, तो लोग एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बन गया। बताओ दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, ई एक्स पी लोग ये टू तो यहां आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, वो लोग एम अपोन एन से ये कितना एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ई एक्स पी लोग को कैंसिल करेगा तो एक्स स्क्वायर अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आया है आई एफ, ये आई एफ आया। एक बार देखिए आप, अगर आई एफ में दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू लिखना था ना, आई एफ आ गया, तो मैं यहां लिखता हूं देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू, इसी का सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना, तो क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल w इंटू आई एफ, आई एफ कितना आया ये रहा एक्स स्क्वायर अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो w इंटू आई एफ देखना आप, w इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन, राइट साइड में कितना है ये साइन एक्स अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो w इंटू आई एफ बराबर राइट साइड में, और इसको आई एफ से गुणा करना है, आई एफ कितना है इसको आई एफ से गुणा करना है, आई एफ है एक्स स्क्वायर अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अरे भाई राइट साइड में जो आता है इंटू आई एफ होता है ना, अब इससे ये वाले से तो ये वाला कट गया, अच्छा ये यहाँ देखना थोड़ा सा, ये मिस्टेक यहाँ लिखा था, ये मिस्टेक इसको सही कर लूँ, ये साइन एक्स तो यहाँ एक्स साइन एक्स आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये भी कितना होगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इससे तो ये कट गया और एक एक्स से एक एक्स कट गया। ऐसा करने से दोस्तों ये जो बना डब्लू इंटू एक्स स्क्वायर, देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर एक एक्स तो यहाँ बच रहा है, तो मैं ऐसे बोल दूँ एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन, ये बन गया। अभी W की वैल्यू भी नहीं आई है अभी तो अपनी, तो देखिएगा एक बार आप यहाँ से इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ, W इंटू एक्स स्क्वायर अपोन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो आई लेट से करूं, x को पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, साइन x का समाकलन माइनस का कोस x, माइनस पहले फंक्शन का उकलन x का उकलन 1 और साइन x का समाकलन माइनस का कोस x डी एक्स प्लस सी वन। अब इसका कोई काम नहीं रह गया है, इसको सोल्व करना है, तो ये बना w इंटू एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर माइनस का एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन एक्स और प्लस का सी वन। ओके तो डब्लू का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई, इस चीज को साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स
इससे गुणा में ये पूरा आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और भाग में कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा सी वन के गुणा में जाएगा, सी वन के गुणा में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। W बराबर, अब गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो x साइन स्क्वायर x, इस टर्म को इस टर्म से गुणा करोगे तो साइन x कोस x, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन x कोस x, और इसको इससे करोगे तो माइनस x कोस स्क्वायर x, इतनी टर्म हो गई। अब बताओ भाग में क्या जाएगा, भाग में जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे कैसे पीछे, सी वन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, डब्लू बराबर, एक बार इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को देखो आप, अब माइनस एक्स को मैं ले लूं तो ये तो बना कोस स्क्वायर एक्स, और यहां से जब माइनस कॉमन लिया तो यह माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां देखना, ये जो टर्म है ना, बताओ इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, एक बटा दो साइन टू एक्स, इस वाली टर्म को, इस वाली को लिख सकता हूं ना, टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स, माइनस ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां भी ऐसा ही करो, इस वाली टर्म को भी कितना लिख दो साइन टू एक्स, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे हर के अंदर कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर, ये कितना है सी वन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है इतना। डब्लू बराबर, इसे एक्स स्क्वायर का यहां भाग दो तो माइनस वन अपॉन एक्स, और बताओ ये कितना है कोस टू एक्स, इस एक्स स्क्वायर का इधर भी भाग दो, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, इस एक्स स्क्वायर का यहां भी भाग दो माइनस वन अपॉन टू साइन टू एक्स, ऑल क्लियर। इसका इधर भाग देंगे तो सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपना W है। तो करते जाओ करते जाओ, जहां तक खत्म नहीं होता तब तक इसको करते जाओ, कभी तो इसका एंड आएगा ही दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन का। चलो भाई फिर से आगे करें, यहां देखो W को क्या लिखूंगा, dv by dx बराबर माइनस का कोस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू, फिर प्लस का सी वन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। दोनों तरफ इस डीवी को इधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो तो वी बराबर, सबके इंटीग्रेशन लगा देता हूं अलग अलग, कोस टू एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक बटा दो बार साइन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक बटा दो बार साइन टू एक्स डी एक्स, और ये देखो सी वन बार साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, फिर इसका सी वन बार कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नया कॉन्स्टेंट सी टू। चलो वी बराबर माइनस, अब देखो दोस्तों आई लेट से करता हूं,
वन अपोन एक्स को तो पहला फलन मान लेता हूं, तो वन अपोन एक्स को रोका, और कोश टू एक्स पहला फलन तो वन अपोन एक्स को मान लो, और कोश टू एक्स दूसरा फलन मान लो, तो वन अपोन एक्स को रोका, और कोश टू एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन टू एक्स अपोन टू, पहले फलन को रोका दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का उकलन करो, इसमें वन अपोन एक्स है ना उसका उकलन करो, माइनस वन अपोन एक्स स्क्वायर, और दूसरा फलन कितना है कोश टू एक्स उसका समाकलन करो, साइन टू एक्स अपोन टू, और डीएक्स इसका फिर से समाकलन। ये पूरा का पूरा मैटर हुआ है वो इसका हुआ है, ठीक। इस टर्म को मैंने ऐसे कैसे रह दिया, रहने दिया, एक बटा दो साइन टू एक्स अपोन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका देखो दोस्तों, साइन टू एक्स का कितना होता है, माइनस का कोस टू एक्स अपॉन टू होता है ना, साइन का होता है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं कोस टू एक्स, और टू पहले से तो ये हो गया फोर। अब यहां से देखो, इसका देखो सी वन, वन अपॉन एक्स को तो पहला फलन मान लो, और दूसरा फलन साइन एक्स को मानोगे, तो साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, माइनस पहला फलन वन अपोन एक्स, वन अपोन एक्स का उकलन माइनस वन अपोन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का समाकलन है माइनस का कोस एक्स और डी एक्स, प्लस ये सारा का सारा जो हुआ है ना वो इस टर्म का हुआ है। पहला फलन वन अपोन एक्स को माना, दूसरा फलन साइन एक्स को माना, इस टर्म को ऐसे कैसे, सी वन कोस एक्स अपोन एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का सी टू। ओके फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या हुआ, वी बराबर, अब देखो इसको इससे गुणा किया तो ये कितना है, माइनस वन अपॉन टू एक्स साइन टू एक्स, इसको इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और लेकिन फिर इसके कारण माइनस हो गया, तो माइनस एक बटा दो, ये दो को बाहर ले लिया, और ये कितना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ठीक है, ये हो गया। ये कितना है वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ये कितना है कोस टू एक्स अपॉन फोर, ये कितना है माइनस का सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये सी वन यहां भी गुणा में आएगा, तो सी वन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है तो ओवरऑल माइनस, या ऐसे मान लो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस है, ठीक है। ये टर्म ऐसे कैसे जिसको रोका था, इस वाली को सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी टू, ऐसा करने से ये तो इससे कट गई और ये इससे कट गई। ओके, तो कुल मिला के नेक्स्ट पेज अगर अपन निकालना चाहें, अच्छा क्वेश्चन ही इतने हो गए तो कि पेज भी खत्म हो जाते हैं करते करते, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखो, v बराबर माइनस वन बाई टू एक्स, ये उतार रहा हूं जो बच गया, साइन टू एक्स प्लस कोस टू एक्स अपॉन फोर, और ये कितना है माइनस सी वन कोस एक्स अपॉन एक्स और प्लस का सी टू, और तो सब कुछ कट गया, ये आया अपना वी। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, जो सॉल्यूशन होगा लास्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन, वाई बराबर वी एक्स, तो एक्स से गुणा कर दो, माइनस एक बटा दो साइन एक्स प्लस, इसको एक्स से करेंगे तो एक्स कोस टू एक्स अपॉन फोर, इसको एक्स से करेंगे तो माइनस सी वन कोस एक्स प्लस सी टू एक्स, ये आया। चलो दोस्तों, ये देखो एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ इसके, कि भाई क्या मैच हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वरना तो फिर सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आंसर ही मैच नहीं होंगे तो।
तो देखिए तब तक आप इसको क्वेश्चन को, तब तक मैं भी देखता हूँ इसके। आप एक एक स्टेप को देखना ध्यान से। दोस्तों आप देख लेना इसके आंसर। अब एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो इसके आंसर क्या है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन आप देख लेना एक बार, आंसर जरूर मैच कर लेना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 6.2 के मेथड के साथ में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।